More with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. और मजे की बात दोस्तों ये है कि ये शो अब हिंदी में भी आएगा. हेलो एंड वेलकम गाइस टू द करंट अफेयर्स शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड ऑल्सो द अदर करंट अफेयर्स. आप सबका स्वागत है एंड शुरू करते हैं. देरी किस बात की है, ले चलते हैं आपको सबसे पहले हमारी आज की सबसे बड़ी खबर पे. दैट इज़ आयुष्मान भारत. पिछले हफ्ते दैट इज़ ऑन अ सैटरडे एंड ऑन संडे जो सबसे बड़ी खबर बनी वो बनी द लॉन्चिंग ऑफ द आयुष्मान भारत विच इज़ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द बिगेस्ट एवर हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अक्रॉस अराउंड द वर्ल्ड. एंड इसको लेकर मैं और हम सब बहुत हाई होप्स पे हैं कि जितने भी हमारे देश के गरीब या पिछड़ा वर्ग है उन्हें सही समय पर इंश्योरेंस मिलेगा और उनकी जो हेल्थ की दिक्कतें हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी. तो चलिए स्क्रीन पर दिखा दें आपको, ये हमारी आज की पहली बड़ी खबर है जो कि स्क्रीन पर ये रही आपके सामने. प्रधानमंत्री हैज़ लॉन्च्ड द आयुष्मान भारत. जो प्रधान सेवा के हमारे, उन्होंने हाल ही में रांची द सिटी इन झारखंड ही लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दैट इज़ PMJAY और popularly known as the आयुष्मान भारत स्कीम. इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का एक कवर देने की बात यहाँ पर कही गई है. देर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स एंड देर इज़ नो लिमिट ऑफ द टाइम लाइन. 5 लाख रुपए पर फैमिली का यहाँ पर ये एक आश्वासन दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने. आइए दिखाते हैं आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च द मेगा हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत ऑल्सो नोन एज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम रांची झारखंड. द स्कीम विल प्रोवाइड एनुअल कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली एंड करीब 1350 को ये केटर करेगा. देर इज़ नो कैप ऑन द फैमिली साइज, नो कैप ऑन द एज से या फिर फैमिली के टोटल नंबर से कोई वास्ता नहीं है. इसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जिस नंबर को मैं आपके यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज़ द नंबर गाइस, दैट इज़ 14555. इस पे कॉल करके एनीवन फ्रॉम द कंट्री कैन इंक्वायर अबाउट द आयुष्मान भारत की स्कीम में क्या होगा, कैसे होगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ऑल्सो लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन. उन्होंने शिलान्यास किया 2 मेडिकल कॉलेजेस का, एक आपका कोडरमा, दूसरा आपका चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में, एंड साथ ही 10 वेलनेस सेंटर्स को भी उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया. जो पहले 5 बेनिफिशियरीज हैं, द फर्स्ट 5 बेनिफिशियरीज ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम आर मंजू देवी हेम्ब्रोम, रूबी प्रवीण, चंदन कुमार राम, मुकेश कुमार एंड पूनम देवी. इन सबको ई कार्ड या फिर डिजिटल कार्ड दिया गया इस स्कीम के तहत. सो आई अगेन रिपीट गाइस, आयुष्मान भारत स्कीम हैज़ बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड. इट वाज लॉन्च्ड इन रांची झारखंड, नंबर 1. नंबर 2, दिस इज़ अलेजिडली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज द बिगेस्ट एवर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अराउंड द वर्ल्ड. इसमें इसकी जानकारी के लिए आप 14555 पे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन आयुष्मान भारत. इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली का कवर मिलेगा और 1350 जो बीमारियां हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा. इसमें जो पहले 5 नाम हैं उनके नाम हैं मंजू देवी हेम्ब्राम, रूबी प्रवीण, चंदन कुमार राम, मुकेश कुमार और पूनम देवी, जिनको कि ये ई कार्ड दिए गए. तो यहाँ पर सवाल जो बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे कल, बिकॉज आज हम कल की हेडलाइंस पर डिस्कशन करेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ें और ले चलें आपको हमारी अगली खबर पे. Venkaiah Naidu has unveiled a book by a former minister. The book's name is My Journey. It has been penned by former minister and MP T. Devendra Gowd. एंड उनके हिसाब से जो बुक्स हैं इट शुड बी अवेलेबल इन द मदर टंग, मातृभाषा में जो उस एरिया की उसमें होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस बुक को लिखा. तो एक बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द बुक माई जर्नी. तो उसका आंसर है फॉर्मर मिनिस्टर एंड MP T. देवेंद्र गौड़. उन्होंने इस बुक को लिखा है एंड इसका विमोचन किया. इट वॉज अनवेल्ड बाय द ऑनरेबल वाइस प्रेजिडेंट ऑफ आर कंट्री दैट इज़ M. वेंकैया नायडू. इतना ही इसमें आएगा, इसमें कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो हमने 2 खबरें यहाँ पर पढ़ ली हैं. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट आयुष्मान भारत एंड सेकंड वी डिस्कस्ड अबाउट अ बुक दैट इज माय जर्नी. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. प्रधानमंत्री मोदी टू इनॉग्रेट सिक्किम्स फर्स्ट एयरपोर्ट। सिक्किम का जो पहला एयरपोर्ट है जिसका नाम है जो कि है पाइकोंग में, उसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड ये खबर आई है नाउ गाइस, दीज ऑल न्यू एयरपोर्ट्स, ये जो सारे आपके नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ दी उड़ान स्कीम दैट इज उड़े देश का आम नागरिक। एंड वी आर इन द सेकेंड वर्जन ऑफ द उड़ान स्कीम, जिसके तहत ऐसे सारे एयरपोर्ट जो बन सकते हैं, जो बने हैं, जो अंडर सर्व्ड हैं, जो अनसर्व्ड हैं, उनमें फ़्लाइट पहुंचाना। और 2500 रुपये का एक यहाँ पर एक टोकन भी था 1 घंटे का, तो वो भी इसका कंसेप्ट के अंदर है। तो बहुत ही सिंपल सी खबर है। 2 सवाल बनेंगे। सवाल पहला बनेगा कि इन विच सिटी और इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द सिक्किम्स फर्स्ट एयरपोर्ट सेटअप, तो उसका जो आंसर होगा, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी पाइकोंग, जो कि सिक्किम का एक जिला है। एंड यहाँ पर पीएमजी ने इसको इनॉग्रेट किया है। बाकी इसका जो एक लिंक है, वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका स्टैटिक जीके के बारे में, वो आपको शो के बाद मिलेगा। एंड दैट लिंक विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो उस लिंक को भी मैं आपके सामने बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। पर सिंपल से बात समझिएगा कि द पाइकोंग एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इतना ही आप यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी इसका जो लिंक है स्टैटिक जीके का, उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो यहाँ पर बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक अगर क्लियर है आपको, एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए येस येस येस, इट इज़ क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं हमारी अगली खबर। इंटरसेप्टर मिसाइल नाइट टेस्ट सक्सेसफुल। India successfully conducted an interceptor missile test from Abdul Kalam Island in Odisha on Sunday night, achieving a major milestone in developing a 2-layer ballistic missile defense system. बहुत बड़ी एक खबर है, बहुत बड़ा एक achievement है कि नाइट टेस्ट में successfully achieve किया है भारत ने for ballistic missiles, और जो उसका पृथ्वी ballistic defense system है जो कि 2-layer का है, उसको भी उन्होंने यहाँ पर achieve कर लिया है। तो again repeat guys कि interceptor missile जो intercept which will basically intercept aeroplanes or jet planes, उसके लिए ये टेस्ट फायर हुआ था आपका नाइट में अब्दुल कलाम आइलैंड पे उड़ीसा में, और ये सक्सेसफुल हो गया है। और ये एक मील का पत्थर है फॉर आवर कंट्री। आइए दिखाते हैं इसी के बारे में द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉट्स। ये रहा आपके सामने, देखिए इंग्लिश में बता ही दिया, इसमें कुछ चीज़ें और आपको ध्यान देनी है, जैसे कि ये रहा आपके सामने, मार्क कर दूंगा आपके लिए, जैसे कि दिस द ऑपरेशनल रेंज ऑफ पृथ्वी स्टार्ट्स फ्रॉम पृथ्वी 1, that is maximum 150, and the maximum that it can go that is Prithvi 3, that is at 600 kilometers. इसके जो manufacturer है उनका नाम है DRDO, that is Defense Research and Development Organization। इसके नए अध्यक्ष बने थे हाल ही में, that is G सतीश रेड्डी, तो उनको देख लीजिएगा। और इसकी जो डिज़ाइनर कंपनी है उसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। Again repeat guys, interceptor missile is a missile which intercepts or checks for any jet for any attack or any aerial jet flight, उसके लिए कंसेप्ट है। और ये ballistic missile is a missile which focuses on parabola, वो पैराबोला पर बेसिकली आपका फोकस करती है। तो उसमें जो पृथ्वी मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया गया है, एंड ये उड़ीसा में हुआ एट दी अब्दुल कलाम आइलैंड। क्लियर हो गया सबको? प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिए येस सर येस सर येस सर, हमें क्लियर हो गया है। बाकी डीआरडीओ के बारे में एक ही सवाल एग्जाम में आएगा, दैट इज़ हु इज़ द न्यू हेड, तो उसका आंसर है जी सतीश रेड्डी। उसके अलावा कोई और सवाल यहाँ पर न्यूज़ में रिगार्डिंग आपका जो डीआरडीओ है वो नहीं है। बाकी जो लोग हिंदी चाहते हैं, इसका हिंदी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो भाई अब सब लोग खुश रहो, बस फोकस करो शो पे। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारी अगली खबर पे। आफ्टर रेपिटेटिव कंप्लेंट्स, आफ्टर पीरियोडिक केसेस ऑफ इश्यूज ऑन WhatsApp has finally appointed a grievance officer for India। भारत के लिए खास तौर पर WhatsApp की एक मेंबर को बनाया गया है grievance officer, उनका नाम है कोमल। She will be taking care of the operations of grievances for this particular trade। कोमल लाहिरी उनका नाम है, and वो पहली grievance officer बनी है for any country and especially for India। तो मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, पढ़ भी देता हूँ आपके लिए, लिखा लिया भी हुआ है। WhatsApp has appointed a grievance officer for India and has detailed out the process for users to flag concerns and complaints, including those around fake news. तो चाहे कोई fake news हो, चाहे कोई complaint हो, वो अब आप एक grievance officer को यहाँ पर कर सकते हैं. उनका दोस्तों नाम है कोमल लाहिरी. शी इज़ बेस्ड इन द US. वो US की रहने वाली हैं और WhatsApp की शी इज़ द सीनियर डायरेक्टर एंड ग्लोबल कस्टमर ऑपरेशंस एंड लोकलाइजेशन फॉर WhatsApp. तो ये बनी है पहली ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ WhatsApp इंडिया के लिए. और जो फेक न्यूज़ है और जो डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं उनको इनके पास दिया जाएगा. नंबर 2. नंबर 3 का नाम है कोमल लाहिरी. ये सीनियर डायरेक्टर हैं ग्लोबल कस्टमर ऑपरेशंस की WhatsApp के साथ. दोस्तों यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दिस एक और सवाल अगर आपको पढ़ना ही है तो सवाल बन सकता है अबाउट WhatsApp कि बेसिकली WhatsApp आपका क्या है. देखिए WhatsApp पहले तो एक स्टार्टअप था, ठीक है. उसके बाद इसको अक्वायर किया बाय फेसबुक. वो करीब $19 बिलियन में इसको उसने अक्वायर किया. तब से लेकर इट इज़ अ फेसबुक प्रॉपर्टी. अगर हम WhatsApp की दोस्तों बात करें तो WhatsApp की शुरुआत जो होती है शुरुआत जो होती है दैट इज़ इन 2009 में इसकी शुरुआत होती है. नंबर 1. नंबर 2 ये जो था ये बेसिकली इज़ अ सर्विस नाउ ओन्ड बाय फेसबुक. फेसबुक अब इसको बेसिकली आपका जो है वो ओन करता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अब आपको हमारी अगली खबर. बाकी भाई आराम से इसका हिंदी देख लीजिएगा, मैंने हिंदी दिया नहीं आपको तो इसका हिंदी भी आप सब देख सकते हैं. ये रहा आपके सामने. यस, 2009 है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एंड अदर सोर्सेज. 2009 ही है तो इसका हिंदी भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. Ex Minister Shanta Ram Port Dukhe has passed away. It's an headline that will focus on the obituary section. Obituary section पे ये आपकी headline focus करेगी और बहुत ही simple headline है कि former Union Minister and Congress leader Shanta Ram Port Dukhe he has passed away. He was 86 years of age. He has been survived by a wife, son and daughter. एंड इनकी लास्ट राइड चंद्रपुर में किया गया. बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तो यहाँ पर नहीं आएगा पर एक ही चीज़ एग्जाम में आएगा, वो आएगा कि हु वॉज शांताराम पोट दुखे. तो आपको वहाँ पर टिक करना है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर. सवाल एक और सकता है विच प्रोफेशन, तो प्रोफेशन का है पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स से दोस्तों इनका ये संबंध है. हिमानी जी PDF आता है, PDF शो के बाद आता है तो शो के बाद का वेट करिएगा, ठीक है. तो याद हो गया आपको एक्स मिनिस्टर जो हैं शांताराम पोट दुखे, इनका देहांत हो गया है. बस इतना ही पढ़िए, बाकी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चलते हैं और दिखाते हैं आपको अगली खबर. अगर क्लियर हो रहा है सबको तो एक बार लिखते जाइए येस सर, येस सर, येस सर. क्लियर हो रहा है और मज़ा आ रहा है. विमेन फॉरेन मिनिस्टर्स होल्ड अ मीट. 2 महीने पहले, करीब 2 महीने पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे कि द फर्स्ट एवर विमेंस मिनिस्टर, विमेन फॉरेन मिनिस्टर जो समिट होगा वो आपका होने वाला है कनाडा में और वो हो गया. द फर्स्ट एवर विमेन अफेयर्स मिनिस्टर, विमेन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर समिट हैज़ टेकन प्लेस इन कनाडा. द लोकेशन इज़ मॉन्ट्रियल एंड वहाँ पर करीब 17 देशों के जो विमेन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पर बातचीत की. तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी पे. जरा इसके आगे दिखाई दें क्योंकि इसका आगे इम्पोर्टेंट आएगा ही. ये रहा आपके सामने, देख सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट समिट. ये पहली समिट थी ऑफ इट्स काइंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला विदेश मंत्री को लाया गया. 17 कंट्रीज़ की जो फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स थी उनके लिए ये एक मीटिंग हुआ. इस मीटिंग में जो मिनिस्टर्स आए वो आए फ्रॉम अंडोरा, फ्रॉम बुल्गारिया, फ्रॉम कोस्टा रिका, क्रोएशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, गाना, गुआतेमाला, होंडुरास, इंडोनेशिया, कीनिया, नमीबिया, नॉर्वे, पनामा, रवांडा, सेंट लूशिया, साउथ अफ्रीका, स्वीडन. तो इतने जगहों से आपके ये विदेश मंत्रालय से महिलाएँ आई थी और मुझे उम्मीद थी कि इंडिया से भी लोग आए थे एंड पर इंडिया नहीं था इसमें. इंडिया के अलावा बाकी जो बड़े बड़े देश हैं जहां पर अभी फ़िलहाल महिला फॉरेन मिनिस्टर हैं या दे आर हाई इन द फॉरेन मिनिस्ट्री, वो इसका यहां पर मेंबर बने. दिस समिट विल बी अ बायनियल समिट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज. हर 2 साल पे शायद ये होगा पर ये अनऑफिशियली भी हर साल मिल सकते हैं. तो सवाल यहाँ पर बनेगा द फर्स्ट एवर Women Foreign Affairs Minister Summit took place in which city? तो आंसर होगा मॉन्ट्रियल। इन विच कंट्री? आंसर होगा आपका कनाडा। सवाल बने कितनी कंट्रीज है, उसका आंसर होगा 17 कंट्रीज इसका हिस्सा यहाँ पर बनी थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ शो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से मस्ती के साथ पढ़ते रहेंगे। नाउ समथिंग, अब मैं फिर से चाहूँगा लंबी सांस लीजिए और आँख खोलिए। द रीज़न वाई, बिकॉज अगेन आ गया है एक फाइनेंशियल टर्म जो कि आपको याद करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ट्रिकी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अबाउट टोटल एक्सपेंस रेशियो। व्हाट इज़ टोटल एक्सपेंस रेशियो? बात समझिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, 99.9% टाइम्स आई विल नीड एन असेट मैनेजर। अगर मुझे एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो 99% से ज़्यादा मुझे एक असेट मैनेजर चाहिए, और अगर मुझे एक असेट मैनेजर चाहिए तो उसका एक फीस होगा। सो द फी इन्वॉल्व्ड इन अ म्यूचुअल फंड दैट इज गिवन टू अ एसेट मैनेजर, दैट फी इज कॉल्ड एज अ टोटल एक्सपेंस रेशियो। अगेन रिपीट गाइस, वो हिस्सा, वो एक फी जो कि एक इन्वेस्टर देता है म्यूचुअल फंड में फॉर द कमीशन और फॉर द फी ऑफ द एसेट मैनेजर, दैट फी गाइज इज कॉल्ड एज अ टोटल एक्सपेंस रेशियो। मतलब अगर मैं आपका एसेट मैनेजर हूं, पहली बात तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि 2000 लोगों का मैं एक एसेट मैनेजर बन जाऊं। तो अगर मैं आपका एसेट मैनेजर हूं और आपसे मैंने पैसा लिया तो पैसा तो लूँगा ही, साथ ही साथ आई ऑल्सो टेक अ कमीशन, मैं आपसे एक कमीशन भी लूँगा। तो जो वो कमीशन का पार्ट है, उस कमीशन को हम कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। आइए एक बार दिखाते हैं आपको इसी का हिंदी। हाँ भैया लोग कह रहे लिख के बता दो, लिख के क्या, मैं आपके लिए जान निकाल देता हूँ। ये लीजिए आपके सामने। सेबी हैज़ अनाउंस्ड चेंजेस टू द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज दिस रेशियो? म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टमेंट्स वेयर इन्वेस्टर इन इंटरेस्ट हिज हर मनी विद एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर टू मैनेज द मनी स्मार्टली एंड एफिशिएंटली। द मनी द मैनेजमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। जो पैसा ये एसेट मैनेजर लेता है उसे हम यहाँ पर एक एक्सपेंस रेशियो या फिर एक टोटल एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कहा जाता है। ये न्यूज़ में दोस्तों इसलिए है, द रीज़न वाई न्यूज़ में है बिकॉज अब जो रेंज रहेगा आपका एक्सपेंस रेशियो का, वो टोटल इन्वेस्टमेंट का या तो रहेगा 0.1%, 0.01% टू 0.44%। सो दिस विल बी द रेंज दैट विल बी बिटवीन 0.01% टू 0.44%। इतना ही परसेंटेज एक फी ले सकता है या एक एक्सपेंस रेशियो ले सकता है एक म्यूचुअल फंड के। आंसर अगेन रिपीट फॉर लास्ट टाइम, द कमीशन, the fee taken by the asset manager while investing your mutual fund, that fee, that commission, my friends, will be called as a एक्सपेंस रेशियो। उसे हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो हम कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको सबके सब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे दिखाते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने। कल्पना लाजमी जी, जो कि एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थी, उन्होंने कई फेमस मूवीज़ जैसे रुदाली और एक पल मूवीज़ बनाई थी, उनका दोस्तों देहांत हो गया। शी वॉज़ वेरी क्लोज टू वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक, भूपेन हज़ारिका। वो भी अब नहीं रहे और अब इनका भी देहांत हो गया। तो बहुत ही सिंपल सी खबर बनेगी, शो की खबर है कि रुदाली और एक पल की जो डायरेक्टर थी जिनका नाम है कल्पना लाजमी, शी हैज़ सैडली पास्ट अवे। ठीक है, तो ये खबर भी याद रखिएगा, कल्पना लाजमी इनका यहाँ पर नाम है। यहाँ तक क्लियर होता जा रहा है तो एक बार कमेंट्स करते जाओ, यस सर, यस सर, यस सर, यहाँ तक क्लियर होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बारी है हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज देखते हैं कितने पानी में आप सब लोग हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम शो रखेंगे 30 से 40 मिनट का, तो वही कमिटमेंट मेरा है कि नो बकवास, ओनली खबरें एंड ओनली एमसीक्यू। तो आई होप अब आप सब लोग तैयार हैं, आप सब लोग रेडी हैं फॉर दी एमसीक्यू गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको हमारा आज का पहला सवाल। H-1B वीज़ा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो H-1B वीज़ा है उसका संबंध इनमें से किस देश से है? द रीज़न वाई, बिकॉज जो H-1B वीज़ा था फॉर डिपेंडेंट वीज़ा या जो वाइफ वीज़ा था या फिर जो वीज़ा था फैमिली का, उसको हटाने की बात की है यूएस सरकार ने। सवाल यहाँ पर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच बैंक हैज़ बीन फाइंड विथ 38 करोड़ जीएसटी फाइन, इनमें से वो कौन सा बैंक, देखिए फाइन जो है वो 38 करोड़ का है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ बीन फाइंड जीएसटी फाइन ऑफ 38 करोड़. well, इसका आंसर है ऑप्शन दिखा दे, इसका आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज येस बैंक. येस बैंक न्यूज़ में था बिकॉज इसके जो हेड हैं राणा कपूर, उनको भी अगले साल हटने को कहा गया है कि बाय नेक्स्ट ईयर यू शुड लीव, एंड इसको ही करीब 38 करोड़ का फाइन यहाँ पर दिया गया है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई has raised the minimum insurance cover for owner driver to ₹-lakh for a premium of ₹750 per annum. जो IRDAI है, IRDAI का full form है Insurance Regulatory and Development Authority of India, which is the regulator of insurance. उसने कहा है कि जो owner driver insurance है उसमें कितना पैसा, अब एक minimum quotation दिया गया है, is it 12 lakhs, is it 15, इज इट 10 और इज इट 14 लाख, कितना पैसा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है. देखिए अगर हम हाँ कितना पैसा दोस्तों यहाँ पर दिया, ये यहाँ पर एक सवाल है आपसे. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 15 लाख. अगर हम यहाँ पर बात करें अबाउट इरडाई, क्योंकि न्यूज़ में इरडाई, तो इरडाई वॉज बेसिकली गाइज, इरडाई जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है भारत में, और ये 2000s में आपका शुरू हुआ था, नंबर वन. नंबर टू, इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुभाष खुंटिया. ही इज़ दी हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. तो ये थोड़ा डिफरेंट है, जनरली दिल्ली में रहते हैं, पर इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं इरडाई के वो आपके हैदराबाद के अंदर. चलिए दिखाते हैं अगला सवाल. National award-winning feature film Dash has been chosen to represent India in the Best Foreign Language category in the 91st Academy Awards next year. इनमें से उस मूवी का नाम बताएं जिसे 91st Academy Awards के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है. Is it Newton? Is it बरेली की बर्फ़ी? Is it Village Rockstars? और Is it मसान? कौन सी वो मूवी है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ विलेज रॉकस्टार. इसको ही मनोनीत किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए. हाँ, त्रान दाई कांग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. जो त्रान दाई कांग हैं वो इनमें से कौन से देश के राष्ट्रपति थे. 61 ईयर्स की एज में ही सैडली पास्ट अवे. वो किस देश के थे. इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ वियतनाम. वियतनाम का कैपिटल है हनोई और करेंसी यहाँ की है डोंग. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अगला सवाल. इंडियाज़ फर्स्ट एवर कोल गैस्टिफिकेशन प्लांट शैल कम अप इन. अब एक सवाल यहाँ पर बनेगा, सर व्हाट इज़ कोल गैस्टिफिकेशन, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब बता दीजिए, मज़ा आ जाए. देखिए इसका मतलब है व्हेन वी यूज़ गैस फ्रॉम कोल. कोल तो एक ईंधन है ही, बट व्हेन वी यूज़ द गैस फ्रॉम कोल फॉर अदर पर्पसेस, दैट प्लांट विच कन्वर्ट्स द कोल इनटू गैसियस फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड एज कोल गैसिफिकेशन प्लांट. तो कहाँ पर ये बना. इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ उड़ीसा. और उड़ीसा में भी ये जो आपका बना है, इट हैज़ बीन सेटअप इन तालचेर. तालचेर में तालचेर में आपका ये बना है. तालचेर उड़ीसा में ये आपका सेटअप किया गया. चले अगले सवाल पे आते हैं. ये रहा आपके सामने. Dash government has announced scheme for protection of exotic Nila Kurinji plants that flower only once in 12 years. इनमें से कौन सरकार ने कहा है कि वो जो एक exotic flower है जो 12 साल में एक बार फूल पैदा करता है, that is नीला कुरुंजी, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा. Is it उत्तर प्रदेश, Is it तमिलनाडु, Is it राजस्थान और Is it कर्नाटका. फिर इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ तमिलनाडु. तमिलनाडु में ये प्लांट आपका सेटअप किया गया है. अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को. चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. NSE and which other stock exchange have agreed for a dual listing of masala bonds. इनमें से NSE के साथ कौन सा वो एक्सचेंज है जिसने कि मसाला बॉन्ड को साथ में लिस्ट करने की बात पर अग्रीमेंट किया है या फिर एक MOU साइन किया है. इज़ इट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इज़ इट लंडन स्टॉक एक्सचेंज, इज़ इट एनी ASE कुछ होता ही नहीं है, इज़ इट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो कौन सा वो एक्सचेंज है जिसने इस बात को यहाँ पर कमिट किया है। पहले इसका आंसर है ऑप्शन बी, सब फेल हैं। आंसर यहाँ पर है LSE, दैट इज़ लंडन स्टॉक एक्सचेंज। LSE के साथ ये देखिए आए, तो देखिए मैं संडे को नहीं आया और संडे को नहीं आया तो आप में सब फेल हो रहे हैं आज। तो भाई अगर मैं संडे को नहीं आता हूँ और द हिंदू नहीं डिस्कस करता हूँ, खुद से पढ़ लो। इतना तो आपको आ गया होगा कि यार अगर कुछ सर नहीं आ रहे हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और सर मत बोलो, कुछ ही बोलो यार, सर लेके लगता है उम्र ज़्यादा हो गई है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये कल के हैं, कल के हैं। तो कल ऑब्वियसली बात है संडे है, संडे कोई आता नहीं, ना मैं आता कोई आता है, इसलिए आप लोग फंस रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर है LSE, लंडन स्टॉक एक्सचेंज। तो आपने कहा था मुझसे एक दिन पहले का बताओ, तो एक दिन पहले का सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। चल नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। The inaugural General Assembly of International Solar Alliance will be inaugurated on dash 2018 in New Delhi। जो पहला जनरल असेंबली है ISA का, वो इनमें से कौन सी तारीख को न्यू दिल्ली में आपका होगा? इज़ इट फर्स्ट, इज़ इट 2 अक्टूबर, इज़ इट 30 अक्टूबर और इज़ इट द 1 दिसंबर? किस दिन आपका ये आपका होगा? और ये रहा आपके सामने, इसका आंसर है 2 अक्टूबर, जो एक गांधी जयंती है, जिस दिन छुट्टी होती है हम सबकी। एंड At that day we have the International Solar Alliance। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Who has been appointed as the new chairman of the Steel Authority of India Limited? सेल के इनमें से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन है? इज इट अजय भूषण पांडे, इज इट अनिल कुमार चौधरी, इज इट संजय बासु और इज इट ऋत्विक घटे? कौन है नए चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? आसान सवाल है और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ अनिल कुमार चौधरी। ये जो हैं ये हैं चेयरमैन ऑफ सेल। रवि कुमार जी, मुझे पता है उस दिन नॉन वायलेंस डे है, मैं मजाक कर रहा था। छुट्टी तो होती है ना आपकी, हम सबकी होती है। चलने के सवाल पे आते हैं। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड हाउ मेनी मिलियन $US टू द UN सोलर प्रोजेक्ट? भारत ने कितना मिलियन $US का एक चैरिटी किया है UN सोलर प्रोजेक्ट पे? 2, 1, 3 या फिर 4 और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ 1 मिलियन $US की चैरिटी की है इंडिया ने टू द UN सोलर पावर प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये सबका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वैटिकन सिटी जो कि एक हब है फॉर क्रिश्चियनिटी, स्पेशली फॉर रोमन कैथोलिक्स, उनके लिए दोस्तों ये आपका हब है। तो सवाल है कि जो वैटिकन सिटी है दोस्तों, अगर मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, क्या ये फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है? हाँ, तो दोस्तों जो लोग यूट्यूब पे देखना पसंद नहीं करते हैं, ये फेसबुक पे भी लाइव है। आप प्लीज़ जाके फेसबुक पे भी देख सकते हैं। एंड अगर देखना नहीं है, लाइक करना है फेसबुक के पेज को, दैट इज़ @247। सो वैटिकन हैज़ मेड अ डील विथ विच कंट्री फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप्स? किस कंट्री के साथ बिशप्स की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए एक डील की गई है? एंड द आंसर इज़, इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ चाइना। चाइना के साथ ये डील जो आपकी है, ये डील यहाँ पर की गई है। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे यहाँ से, ये आपके सामने एक सवाल। मार्केटो इंक हैज़ बीन बॉट बाय, मार्केटो इंक जो कंपनी है आपकी, वो इनमें से किसने उसको खरीदा है? इज़ इट जेरोक्स, इज़ इट अडोब, इज़ इट सिक्स सिग्मा और इज़ इट डेल? किसने खरीदा है, सॉरी म्यू सिग्मा और डेल, किसने खरीदा है मार्केटो इंक को? वेल इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ अडोब। अडोब ने दोस्तों इसको यहाँ पर खरीदा है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने अगला सवाल 14th। RBI हैज सजेस्टेड जॉइंट लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर टू बैंक्स विद। RBI ने हाल ही में सजेस्ट किया कि प्रायोरिटी सेक्टर सेक्टर्स ऐसे जहां पर पैसा नहीं मिल पाता है, जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, माइक्रो स्मॉल मीडियम, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रा, ऐसे सेक्टर्स जहां पर कि पैसा नहीं मिल पाता है। तो उन सेक्टर्स में जॉइंट लेंडिंग की परमिशन RBI ने बैंक के साथ किसको दे दी है? इंडस्ट्रियल कंपनीज़ को, फॉरेन बैंक्स को, NBFCs को या फिर वर्ल्ड बैंक को? किसके साथ जॉइंट लोन की कंसेप्ट यहाँ पर दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके साथ ये एक गठजोड़ करने की बात यहाँ पर कही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Which pop star has been appointed the ambassador of Barbados? बार्बाडोस जो कि एक कंट्री है जहाँ की वो नेटिव भी हैं, उनको वहाँ का एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया है। इज़ इट मडोना, इज़ इट स्नूप डॉग, इज़ इट रिहाना, इज़ इट कैटी पर? जब भी सवाल टफ पूछो लोग भागने लगते हैं। भैया भागिए मत, मैदान में रहिए और आंसर कीजिए, भागिए मत। अगर नहीं पता है तो आंसर नोट करिए, पर कोई भागेगा नहीं, सब आंसर करेंगे। इसका आंसर दोस्तों आपके सामने है ऑप्शन सी, दैट इज रियाना। रियाना हैज बीन मेड एम्बेसडर ऑफ बारबाडोस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। India Post Payment Bank has tied up with which insurance company to provide insurance to all? इनमें से किसके साथ India Post Payment Bank ने टाई अप किया है जिससे कि साथ वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे इंश्योरेंस सबको दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा। इज इट NIACL, इज इट टाटा AIG, इज इट बजाज अलायंस और इज इट OICL? किसके साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने दोस्तों यहां पर टाई अप किया है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बजाज अलायंस। बजाज अलायंस के साथ उन्होंने ये टाई अप किया है। दोस्तों आई विल बी नॉट अवेलेबल फ्रॉम 28 टू 2 अक्टूबर। उस समय अंतरा मैम आपका लाइव सेशन लेंगी, तो 28 से 2 मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। आई एम ऑन अ हॉलीडे ट्रिप, तो 28 से 2 अंतरा मैम लेंगी। इसीलिए अभी से बता दे रहा हूँ, कोई भी नहीं बोलेगा सर कहाँ गए। 28 से 2 आई एम अनअवेलेबल, अंतरा मैम उसको वहाँ पर टेकअप करेंगे। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, डैश हैज इंक्ड अ पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटी विद NESL। इनमें से कौन से बैंक ने हाल ही में एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का एग्रीमेंट किया है विद NESL? एंड यहाँ आप देखिए, कल का न्यूज़ ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक के साथ ये एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि NESL ने दोस्तों यहाँ पर किया है। NESL बेसिकली इज़ एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कंपनी। व्हाट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी? जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। निवेशक का जो एक डाटा प्रोवाइड करती है। उसको कहाँ जा रहे हैं? लद्दाख जा रहा हूँ भाई, ठीक है, अगली बार मत पूछना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Indian actress Dash has been appointed the goodwill ambassador for the promotion of Nepal tourism for a term of 4 years. हाल ही में जो भारतीय अभिनेत्री हैं, इनमें से कौन, उन्हें राजदूत बनाया गया है for the promotion of Nepal tourism? Is it Manisha Koirala, is it Rekha, is it Jaya Prada और is it Priyanka Chopra? किसे बनाया गया है यहाँ पर goodwill ambassador of Nepal tourism? एंड इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ जया प्रदा। इनको बनाया गया है the goodwill ambassador for the promotion of Nepal tourism। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Dash has joined France इन नंबर 1 पोजीशन ऑन द फीफा रैंकिंग्स। इनमें से फ्रांस के साथ इतिहास में पहली बार कौन सा वो देश है जो कि नंबर 1 पे शेयरिंग हुआ है? मतलब पहली बार फीफा रैंकिंग्स हैव बीन शेयर्ड, मतलब फर्स्ट रैंक पे 2 लोग एक साथ हैं। तो सवाल यहाँ पर है कि फ्रांस के साथ कौन है जो कि टॉप पे इस समय आया है? एंड इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ बेल्जियम। बेल्जियम टॉप पर इस समय आया है। और ले चलते हैं आपको हमारे अब आखिरी सवाल पर, जो कि ये रहा आपके सामने। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस? साइन लैंग्वेजेस का इंटरनेशनल डे इनमें से कौन है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर और दी 23 ऑफ सितंबर। वेल द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ 23 ऑफ सितंबर। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका। और ले चलते हैं आपको हमारे आज के मोटिवेशनल कोट पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। योर बेस्ट लाइफ इज़ अचीव्ड by listening to the wishes, listening to the wisest part of you, what you know to be true। अगर आप आँख बंद करके रियलिटी में ट्रूथफुली सोचते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट एवर लिसनिंग, द बेस्ट लाइफ दैट यू विल एन्जॉय। सो आज ये काम करिएगा, शो के बाद तो नहीं, क्योंकि शो के बाद तो विशाल सर का शो है, उसको देखने के बाद आप आँख बंद करिएगा और सोचिएगा कि आप लाइफ में एक्चुअली में क्या चाहते हैं। और अगर वो आप वही कर रहे हैं तो लाइफ आपकी गुलजार है, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो देर इज़ समथिंग फिशी फॉर योर ओन लाइफ। मी फॉर वन, आई लव व्हाट आई डू। आई लव वेकिंग अप मॉर्निंग 4 AM फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव वेकिंग अप एंड डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स। तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, पर आप क्या करना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। वो लोग जिनका SBI क्लर्क नहीं निकला, परेशान ना हो। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ नहीं निकला, और जब निकला तो ऐसे निकले कि लोग हाथ पाँव धो के पीछे पड़ गए कि भैया ये कहाँ से निकला। तो ये एक मेरा आप सबसे निवेदन, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ, देर इज़ समथिंग टू बी हैप्पी फॉर, देर इज़ समथिंग टू वर्क फॉर, देर इज़ समथिंग टू एक्चुअली लिव फॉर। तो उसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अब आपसे कल जरूर आइएगा करंट अफेयर्स के शो में, जो कि मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होता है। तो एक लड़का आता है सुबह 8 बजे, उसको देखना मत भूलिएगा, सुबह 8 बजे शो होगा वो। और एक और लड़का आता है जिसकी दाढ़ी है मस्त एकदम, विशाल सर, वो 9 बजे आते हैं एडिटोरियल के साथ, उनको भी देखना आप मत भूलिएगा। सो सुबह 8 से 10 ये 2 शो आपको नहीं भूलने हैं देखने, दैट इज़ द हिंदू करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो द एडिटोरियल डिस्कशन। ये नहीं देखा तो क्या देखा। बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. और मजे की बात दोस्तों ये है कि ये show अब हिंदी में भी आएगा। देश का पहला ऐसा शो जो आपको बताएगा हजारों सरकारी वैकेंसीज के बारे में, एक ऐसा शो जहां पर आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, वो भी सीधा फोन कॉल से, और पूछ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल। या एक्सपर्ट चर्चा करेंगे उस हफ्ते की मोस्ट ल्यूक्रेटिव वैकेंसी के बारे में। तो जुड़िए हमारे साथ इस खास शो में जिसका नाम है वैकेंसी अड्डा, द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हर मंगलवार रात 8 बजे ओनली ऑन अड्डा 247।